अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज आपको मैं बता रही हूँ कि आपने जो अपनी मैथ्स की कॉपी है वो किस तरह से प्रिपेयर करनी है। ग्रेड 6 की मैथ्स की कॉपी आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले तो आपने इस पे जो है ब्लू कलर का, लाइट से ब्लू कलर का जो है वो ग्रेस पेपर कवर करना है। देन अपना नेम एंड क्लास सब कुछ मेंशन करना है, सब्जेक्ट मेंशन करना है। प्लास्टिक कोटिंग इस पे करनी है। इसके बाद आपने जो है फर्स्ट पेज पे तो आप नेम राइट करेंगे। इसके बाद जो है आपने इंडेक्स प्रिपेयर करना है एज इट इज़, जैसे मैंने ये इंडेक्स प्रिपेयर किया हुआ है। देन इसके बाद आपने ये दोनों पेज जो है वो इंडेक्स के लिए जो है वो छोड़ देने हैं। इसके बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे यूनिट 1 का। इसके बाद एक्सरसाइज 1A आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे, 1B सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1B, 1A एंड देन 1B एज इट इज़ आप सॉल्व करेंगे। 1B के भी तमाम क्वेश्चन आप कॉपी पर होंगे। देन 1C आप सॉल्व करेंगे, 1C के भी तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। आपने जो है एक्सरसाइज 1A, 1B और 1C जो है वो अपनी कहाँ सॉल्व करनी है, कॉपी पे ही सॉल्व करनी है। देन इसके बाद जो है आपने एक्सरसाइज 1D जो है वो अपनी बुक पे सॉल्व करनी है, ठीक है, क्योंकि 1A, 1B और 1C के सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी था, तो वो आपने कहाँ पर सॉल्व करना है, अपनी कॉपी पे। एंड देन इसके बाद आपने एक्सरसाइज 1D बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस तरह से अपनी बुक पे सॉल्व करनी है। लाइक इस तरीके से आपने 1D को सॉल्व करना है अपनी बुक पे, देन 1E को सॉल्व करना है। इस तरह से आपने 1E को सॉल्व करना है। देन चैप्टर नंबर 1 के MCQs हैं, ये भी आपकी बुक पे ही सॉल्व होंगे। इसके बाद जो है आपका जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2A है वो आपने बिल्कुल एज इट इज़ अपनी बुक पे ही सॉल्व करनी है। देन इसके बाद एक्सरसाइज 2B है। एक्सरसाइज 2B के भी क्वेश्चन जो हैं 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, ये अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट सोल्यूशन आपकी कॉपी पर होगा, तो आप एक्सरसाइज 2B राइट करके इसको सोल्यूशन करेंगे। और ये मैंने आपके पोर्टल ID पे भी अवेलेबल है और जूम क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, इसका सोल्यूशन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज़ आप बुक पे ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है वो आपके MCQs आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो आपने चैप्टर नंबर 2 के MCQs ऐसे ही बुक पे सॉल्व करने हैं। देन आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन, जस्ट 6 क्वेश्चन तक जो है वो आपने अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, ये जो सोल्यूशन आप लोगों को नज़र आ रहा है आपने ये राइट नहीं करना, ठीक है, इसका कंप्लीट फुल सोल्यूशन है कंप्लीट, जो मैंने पोर्टल ID पे भी आपको बता दिया है और जूम क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 ये आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे राइट करना है एक्सरसाइज 3A मेंशन करके। क्वेश्चन नंबर 7 आप राइट करना है उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8 उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 उसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इनका सोल्यूशन आपने कहाँ करना है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। ये आपकी पोर्टल ID पे अवेलेबल है और जो स्टूडेंट जूम क्लास लेते हैं तो मैंने जूम क्लास में भी करवा चुकी हूँ, तो उन्हें मालूम होगा इसका सोल्यूशन। देन एक्सरसाइज 3B, एक्सरसाइज 3B जो है वो एज इट इज़ आपने अपनी बुक पे सॉल्व करनी है। इसका भी जो लेक्चर तमाम पोर्टल ID पे अवेलेबल है, अपनी पोर्टल ID चेक कीजिएगा। देन इसके MCQs हैं, MCQs भी आपने बुक पे करने हैं। इसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मैंने आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 4 जो है इसका तमाम का तमाम काम अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। जैसे मैं आपको जूम क्लास में जो है वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो आपने क्या करना है, इन जो जब जूम क्लास लेंगे तो अपने पास एक रफ कॉपी नोट डाउन कर लें, रफ कॉपी पे सारा काम नोट डाउन कर लें, देन उसके बाद फेयर कॉपी पे अपने पास ये काम कर लें। और वैसे भी पोर्टल ID पे भी इसका लेक्चर अपलोड होगा, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4A जो है इसका तमाम का तमाम काम आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो है वो काम ये किस तरह से अपनी जो है कॉपी पे नोट डाउन करना है। आप अपना काम जो है वो कंप्लीट करके अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके स्कूल में मुझे कॉपी दे जाएं, मैं आप चेक कर दूँगी। अदर जब आपके स्कूल ओपन हो तो आपके पास यहाँ तक तमाम काम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ जैसे ही पोर्टल ID पे लेक्चर बनाती रही हूँ साथ साथ मैं आपसे कहती भी रही हूँ अपने पास नोट डाउन कर लें, तो इसलिए तमाम का तमाम काम जो है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जब आप स्कूल में आए आपकी कॉपी पे तमाम काम होना चाहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।